फ्रेंड्स, लवली गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे गार्डन ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं और अभी अभी मैंने वाटरिंग की है। तो वाटरिंग आप आजकल जब करिए तो थोड़ा सा शावरिंग कर दीजिए, प्लांट्स थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। और जब हवा चलती है हल्की हल्की तो ठंडा लगता है, तो प्लांट जितने भी आपके प्लांट्स थोड़ा हीटिंग उनको हो जाती है, वो उनसे रिलीफ मिलेगा, उनको ताजगी सी आएगी। जैसे हमको शावरिंग अच्छी लगती है गर्मी में, उसी तरह प्लांट्स को भी बहुत पसंद है। तो आप मिस्टिंग करिए और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे कोई प्लांट अगर आपका। तो फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे से प्लांट्स अभी तो चल रहे हैं। खैर, फ्लावर्स गुड़हल तो बहुत अच्छा है, आप जरूर लगाइए। अभी हार्डी प्लांट जो मैंने वीडियो आपको दिखाया है, हार्डी प्लांट समर में आप लगाइए तो गुड़हल उसमें बहुत ही अच्छा आपको फ्लावरिंग देंगे। और जो ये जितने भी प्लांट्स हैं, देखिए होता क्या है, जब हम पुराने प्लांट्स अपने लगाए हुए हैं जो साल दो साल हो गए हैं, वो मैच्योर हो गए हैं वो अच्छे से। जैसे मैंने रेनी सीजन में कई प्लांट शामिल किए, कटिंग्स लगाई, तो वो अभी अच्छे से फ्लावरिंग दे रहे हैं। मगर अगर आप अभी शामिल करते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग में दिक्कत आती है, दो महीने की बात है फ्रेंड्स। और रेनी सीजन में जब आप लगाते हो प्लांट्स तो वो कभी नहीं मरते और वही प्लांट्स आपको नेक्स्ट सीजन जाके अच्छे से मैच्योर होकर फ्लावरिंग देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए और अच्छे से अपने प्लांट्स आप भी लगाइए। और अगर आपने नहीं देखा है मेरा ये वाला वीडियो तो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया समर में कौन से प्लांट्स आपको नहीं लगाने हैं और कौन से लगाने चाहिए और क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए गलाडिया कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही हार्डी प्लांट। और यहाँ पर ये देखिए पोर्चुला का, जो कि अभी जब भी इसमें थोड़ी सी कटिंग्स होती हैं तो मैं निकाल लेती हूँ कटिंग्स और लगा देती हूँ, इस वजह से फ्लावरिंग अभी कम है। क्योंकि अभी प्लांट थोड़ा सा बना रही हूँ, क्योंकि यही प्लांट बहुत ही हार्डी है और पूरे समर में बहुत अच्छे से, देखिए मैंने कटिंग्स बहुत लगाई है इनकी, इसीलिए फ्लावरिंग अभी आपको कम दिख रही है। यहाँ मैं अपडेट दे दूँ आपको डायनथस की, जिसकी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ये देखिए कटिंग लगाई है, सभी कटिंग्स बहुत अच्छे से चल रही हैं, एकदम फ्रेश हैं, ये देखिए कोई भी नहीं सूखी है। तो अगर आप इनको शेडी प्लेस में रखेंगे और उनको हमेशा आपको मिट्टी, मतलब जो सैंड है इसको नम रखना है, इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, सूखे ना तो आपकी कटिंग अच्छे से चल जाएगी। और रेनी सीजन में आप रिपोर्ट कर लीजिए। कोई मुझसे पूछ रहा था कि रेनी कब रिपोर्ट करेंगे, तो रेनी सीजन में हमें करना है और अभी तब तक दो एक जितने भी टाइम है उसमें हमें इनका ख्याल रखना है। यहाँ जेक प्लांट इसकी भी मैंने कटिंग से लगाया है और भी कटिंग्स इसकी बना ली, बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है और अच्छे से चल रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए हमारा ये जो डेविल बैकबोन, देखिए कितने छोटे से कंटेनर में ये देखिए लगा हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इनको तो लगाकर आप भूल जाइए और ये अच्छे से चलते रहते हैं, हमेशा सालों साल बने रहते हैं। अभी अभी फ्रेंड्स वाटरिंग की है, सारे दिन की जो धूप में फ्रेंड्स जो पौधे हैं बिल्कुल मुरझाए से हो गए, देखिए किस तरह से फ्लावर्स सिकुड़ से रहे। और ये मेरा वडेलिया का प्लांट है, ये भी कटिंग से ही लगाया है और सभी प्लांट्स में अभी अभी वाटरिंग की है, तो थोड़ा सा बस इनमें अब जान आएगी पानी जब, क्योंकि हम धूप में दे नहीं सकते और सुबह से ये धूप आ जाती है आजकल, और इतने सारे प्लांट्स को मैं शेडी प्लेस नहीं दे पाती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आप देखते ही हो बहुत सारे प्लांट मैंने कटिंग से भी बनाए हैं और मैं हमेशा आपको बताती भी रहती हूँ, सीडलिंग और कटिंग हमेशा मैं करती रहती हूँ जिसे प्लांट बहुत रहते हैं। देखिए साइप्रस वाइन का जो खुद ही से जर्मिनेट हो गया है सीडलिंग सीड से, और तो अच्छे से आपको वाटरिंग जब आप करेंगे उसके बाद आपके प्लांट्स इस तरह से अभी होश में आ रहे हैं, बेहोश से हो गए हैं सारे दिन। और फ्रेंड्स अभी मधुकामनी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छा हो गया ये और बहुत हार्डी प्लांट है, आप भी लगाइए। यहाँ हमेलिया भी देखिए धूप में पत्तियाँ भी एनर्जी अब पाई है, पानी जब इनको मिला है तो थोड़ी देर में ठीक हो गए। और यहाँ मेरा ये वडेलिया बहुत सारी बर्ड्स हैं मगर इतना ज़्यादा लैगी हो गया है, ये देखिए कितना ज़्यादा बेल बढ़ गई है इसकी कि मुझे अब इसको लग रहा है प्रून कर देना चाहिए। और यहाँ पर ये मेरा मीठा नीम का प्लांट है, और ऐसे में दिखाऊँ तो देखिए गार्डन व्यू, ये देखिए कितने सारे और भी प्लांट्स मेरे लगा रखे हैं मैंने, और ये सब हार्डी प्लांट हैं लगभग, तो समर में इन्हीं प्लांट्स को आप लगाइए जो कि सालों साल आपके चलते रहते हैं एक बार शामिल करने से। ये विद्या का प्लांट बहुत अच्छे से ये भी चल रहा है, ये येलो वाला रोज है मेरा, और यहाँ ये पिंक वाला गुड़हल, गुड़हल के प्लांट में इस टाइम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग है, ये सुबह में खिला था और अब शाम में स्प्रिंट हो गए हैं फ्लावर और बहुत सारी कलियाँ आई हैं, बहुत हार्डी प्लांट और बहुत अच्छे से चल रहा है। ये मेरा बॉटल ब्रश का प्लांट है जिसे मैंने कटिंग से लगाया और रिपोर्ट भी कर दिया है। और यहाँ ये गुड़हल, मिर्ची गुड़हल, और यहाँ पर ये देखिए कटिंग से लगाया हुआ रेड वाला गुड़हल, इसमें भी बहुत सारी कलियाँ
और बहुत अच्छे। यहाँ पर स्पाइडर प्लांट में देखिए स्टॉक आ गया है, मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया था, ये देखिए दो स्टॉक इसमें आए फ्रेंड्स, और अब बहुत जल्दी एक दो दिन में इसमें फ्लावरिंग होगी। बहुत ही प्यारा लगता है इसका फ्लावर, तो ज़रूर आप भी लगाइए स्पाइडर प्लांट। सुदर्शन भी कहते हैं फ्रेंड्स हिंदी में। और यहाँ ये टिकोमा येलो वाला और कटिंग से लगाया हुआ बहुत ही प्यारा प्लांट। यहाँ ये मैक्सिकन पिटूनिया, ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, और लगाकर भूल जाइए, कोई केयर मत करिए। फिर भी ये आपको देखिए कितनी सारी कलियों से भरा है फ्लावर। अभी सुबह में स्प्रिंट हो गए हैं जो खिले थे, और अब कल ही खिलेंगे। अलमांडा प्लांट्स, अगर पानी आप जैसे ही सूखता है मतलब इसकी मिट्टी, तो ये इस तरह से मुरझा मुरझा से लटक जाते हैं इसके फ्लावर, मतलब इनको हमेशा मिट्टी जो है इनकी सूखने ना ही चाहिए थी होनी, सॉरी मिट्टी इनकी सूखे ना, ऐसे रखना है हमें, मतलब सूख जाती है पूरी तरह से, ड्राइनेस आती है, तो प्लांट्स इस तरह से ये देखिए लटक जाते हैं, मतलब डिहाइड्रेट ये ना हो, डिहाइड्रेशन इसको हो गया है थोड़ा सा। अभी मैंने वाटरिंग कर दी है तो थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बेला में भी आपको मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि आपको हमेशा इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए, टिप से आप इस तरह से प्रून करते रहेंगे, अगर इतनी सी इसकी टिप आप प्रून कर दोगे तो ये हमेशा नई नई ब्रांचेस निकालता रहता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। और यहाँ पर ये रोज़, और यहाँ ये मॉर्निंग ग्लोरी, और यहाँ पर ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है ऑरेंज वाला, ये भी कटिंग से लगाया है फ्रेंड्स मैंने। और यहाँ ये गंधराज, इसके बाद यहाँ पर सदाबहार, और मैं आपको दिखाऊँ लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि मेरे चमेली के प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये देखिए इसमें फ्लावर भी आए थे अभी एक दो दिन पहले, और ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स बनी हैं, मतलब इसमें खूब अच्छे से अब फ्लावरिंग, ये देखिए हर डाल पर खूब अच्छे से इसमें कलियाँ आ गई हैं, बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग अब करेगा। और यहाँ ये देखिए वाइट वाला हिबिस्कस हमेशा ही फूलों से भरा रहता है, और जितने भी स्क्रीन फ्लावर हैं इनको भी हटाते रहिए, येलो लीफ भी आप हमेशा हटाते रहिए अपने प्लांट से, इससे ही आपकी फंगस नहीं होती है। आप देखोगे मेरे जितने भी पॉट हैं इसमें वीड्स भी नहीं है, ये देखिए आप गुड़ाई भी करिए हर 15 से 20 दिनों में फ्रेंड्स, और प्लांट को अगर हेल्दी रखना है तो आपको ये सब करना रहेगा, और गुड़ाई करिए और साथ ही साथ ये वीड्स आप हटाते रहिए जो घास फूस उगती है, और येलो लीफ इतना आपको अगर रोज़ की रोज़ आप करते रहोगे तो आपके प्लांट में फंगस के कोई चांस हो नहीं सकते, आपको हमेशा आपके प्लांट फंगस फ्री रहेंगे। यहाँ ये रोज़ है मेरा हाइब्रिड वाला, और यहाँ ये चांदनी का प्लांट है, कटिंग में ही लगाया है मैंने, इवन पानी में इसको मैंने ग्रो किया था, और आप वीडियो देख सकते हैं पानी में मैंने इसकी कटिंग बनाई और उसके बाद रिपोर्ट किया, और ये अच्छे से चल रहा है। और यहाँ ये वर्बीना बहुत अच्छे से, अभी भी मेरा विंटर वाला वर्बीना ये चल रहा है। और यहाँ पर ये सब सेवंती के प्लांट मैंने सेव जो किए हैं, ये अरेलिया, और यहाँ मेरा ये गुड़हल का प्लांट, और यहाँ पर ये वर्बीना है समर वाला, और यहाँ ये कुंद का प्लांट है। दूसरे वाले कुंद के प्लांट में भी बर्ड्स आ गई हैं, जो लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि नहीं आ रहा है कोई भी इसमें फ्लावर, तो अब आ गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये थोड़े से सनफ्लावर के सीड्स डाले हैं जो कि जन्मे हो चुके हैं, और यहाँ ये फिर से हमारा गलाडिया, बहुत ही प्यारे फ्लावर इसमें हमेशा, और ये मेरा तोरी का प्लांट है फ्रेंड्स, मैंने इसको सपोर्ट दे दिया है, और धूप आ रही है यहाँ पर इसलिए मैंने इसको अब यहाँ पर लगा दिया है। और ये मेरा गुड़हल का जो वेरीगेटेड वाला लीफ का प्लांट है वो है, और इसमें भी सुबह में फ्लावर थे, शाम में फ्लावर, शाम को ये देखिए सूख गए हैं, तो इनको हटा दीजिए आप, सूखे फ्लावर हटाते रहिए, जो कि मैंने बताया कि इससे आपके प्लांट्स में फंगस नहीं लगती। अभी शाम में आप देखिए कि ये फ्लावर जो है हमारे, ये जो भी प्लांट है, ये पोर्चुलाका और पर्सलेन, ये अब बंद होने लगे हैं। और यहाँ कोचिया सीड से एक और ये प्लांट मैंने बनाया है, और ये मेरा वेस्ट वाला कॉर्नर फ्रेंड्स, सब वेस्ट में इसमें मैंने लगा रखा है, तो यहाँ देखिए कटिंग से तैयार चंपा, और नाग चंपा में मेरी ये देखिए बर्ड्स आ गई हैं, बहुत जल्दी आपको इसमें भी फ्लावरिंग दिखेगी, इसमें भी बर्ड्स आ गई हैं, और कुंद के प्लांट में भी ये देखिए कलियाँ आ गई हैं, तो इसमें भी मुझे इंतज़ार था तो इसमें भी आ गई हैं। और यहाँ पर ये मिर्ची का प्लांट, और यहाँ पर ये लगा है जड्रोपा, ये भी मेरा कटिंग से तैयार है जड्रोपा। और यहाँ पे भी आप गलाडिया देखोगे, गलाडिया मैंने बहुत सारा लगाया है क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है और हमेशा आपको फ्लावरिंग रहती है। ये इसके बर्ड्स हैं, अगर सीड बर्ड्स आपको तैयार करने हैं तो आप ना हटाइए स्क्रीन फ्लावर इसका,
और वरना फिर हटा दीजिए, वरना प्लांट की एनर्जी इनमें जाती है। और यहाँ ये मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है जिसको मैंने सपोर्ट दे दिया है, और मैंने अभी कहा अभी अभी मैंने वाटरिंग की है, तो ये देखिए प्लांट अभी थोड़े से बेहोश से है मेरे। और यहाँ पर मेरा ककड़ी का प्लांट है, इस पर मैं अब आपको जल्दी वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि इसके जो वो फ्रूट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसकी भी मुझे अब उपचार करना है। तो यहाँ ये तोरी का प्लांट और ककड़ी का प्लांट, तो यही। और यहाँ ये कैना लिली और कॉसमॉस सीड से ही खुद से जर्मिनल फ्रेंड्स, और ये 4 o'clock का प्लांट है, तो बहुत हेल्दी है ये भी। तो यहाँ ये सब भी अच्छे से चल रहे। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इतने सारे प्लांट मैंने भी लगा रखा है, और मैंने आपको उस वीडियो में इसीलिए बताया कि अगर आप अभी प्लांट लाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स मैंने रेनी सीजन में ही ऐड किए हैं, और जब भी मैं ऐड करती हूँ तो रेनी सीजन सही रहता है, इससे आपके प्लांट्स मरते नहीं हैं। अपना जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसी पर मैं उसी बेस पर आपसे बता रही हूँ कि अगर आप लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, जबकि रेनी सीज़न में जब आप शामिल करते तो आपको इतनी एक्स्ट्रा केयर इनकी नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत ही ईजिली प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन हेल्दी प्लांट्स को दिखाते हुए आज का ओवरव्यू बंद करती हूँ। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ये मेरा सीड्स वाला कॉर्नर है, यहाँ भी कटिंग्स और सीड्स लगाए हैं मैंने, और ये देखिए यहाँ पर भी अच्छे से फ्लावर्स, सब प्लांट्स मेरे हेल्दी हैं, और इनकी केयर करिए आप भी, और अपना गार्डन ध्यान रखिए, अपना और अपने गार्डन का। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।